पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अंबेडकर पार्क पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन महेंद्र सिंह टिकेट ने किया। बैठक में किसानों की समस्या पर चर्चा की गई तथा सरकार से मांग की किसानों की समस्या पर जल्द सुनवाई की जाए तथा किसानों का गन्ना भुगतान अभी तक उनके खाते में नहीं आया है, जिसके कारण किसानों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे आज के जो मनोज कुमार जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अब मुख्य समस्या ये है हमारा, आज पूरा देश इस बात के लिए विचार कर रहा है कि जवान और किसान दोनों खतरे में है। सरकार अगर विचार करती तो किसान की समस्या हल सरकार अपने समय रहते हुए कर सकती थी, और आज जवान के लिए हमने आज यह मीटिंग करने के बाद पहले शोक सभा करी है। हम चाहते हैं आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। समस्या गन्ना एक्ट में, गन्ना नियम में सरकार ने वादा किया था डेढ़ गुना किसान को देने का फसलों का, अभी तक कोई तय नहीं करा, और वर्तमान सीजन में चुनावी वर्ष होने के बाद भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं कर पाई सरकार, किसान की कर्ज माफी नहीं कर पाई सरकार। सरकार ने एक वर्ष में डीएपी दुगना करने का काम किया है, सरकार ने डीजल पेट्रोल को बढ़ाने का काम किया है, सरकार ने मटेरियल दुगना महंगा किया है जो भी अपने भवन मकान बनाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि पहले तो गन्ना नियम में सरकार गन्ना भुगतान कराने का काम करे। अगर ऐसा सरकार नहीं कर पाई समय रहते हुए, तो आज मीटिंग इस बात के लिए बुलाई गई है कि हम बिल्कुल कठोर निर्णय लेंगे और निर्णय में अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे। ऐसा है, देखिए आज मासिक बैठक थी हमारी जो कि हर महीने की किस तारीख को होती है। सबसे पहले तो श्रद्धांजलि का हो रहा है जवानों के लिए, दूसरा गन्ना मूल भुगतान मय ब्याज के, और इन्होंने क्या काम करा शुगर कैन एक्ट में ये था कि जिन्होंने 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं कराया वो 8.5 रुपये का जो भुगतान है सेंटरों वाला वो नहीं काटेंगे, लेकिन मुरादाबाद क्या की सभी मिलों ने वो काटा है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब से मांग की है कि उसकी जांच कराई जाए और वो किसानों को वापस कराया जाए। दूसरा, पीछे ओले पड़े थे, काफ़ी फसल नष्ट हुई है, उसका किसानों को सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। और बीमा जो है भाई, जब बैंकें बीमा कर रही हैं, सरकार बीमा कर रही है, तो बीमा से पैसा दिलवाएं। ये यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कैसे दिलवाएगा, उसे दिलवाए किसान को। तीसरी, जो जर्जर तार हैं तमाम क्षेत्रों में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, वो बदलवाए जाएँ। तीसरे, आवारा पशुओं वाला, पीछे भी मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने कही थी कि साहब हम सब जो है बंद करने के लिए वो बना रहे हैं अपने गौशालाएँ, कहीं पर अभी कोई नहीं है, अमल में नहीं लाई गई हैं, सब किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो यही 3-4 मुद्दों को लेकर हमारा जो हमने आज ज्ञापन दिया है एडीएम प्रशासन।